अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काबा शरीफ के ऊपर से आखिर कोई भी चीज़ जैसे पक्षी, एरोप्लेन वगैरह जो भी हो क्यों नहीं गुजरता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सबको जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिल से लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, काबा मुस्लिम के लिए एक दुनिया में सबसे पाक जगह है। मुसलमानों के लिए जो फर्ज कार्य है उनमें से एक हज भी है। हज में काबा की जियारत सबसे अहम पड़ाव है और आज हम काबा के बारे में एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी, लेकिन आज हम ऐसी चीज से आपको रूबरू करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, काबा की साइंटिफिक हकीकत हम यहाँ बात करेंगे, काबा के बारे में एक साइंटिफिक तथ्य की। ये आपने जरूर सुना होगा कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजर नहीं सकता, इसलिए हकीकत क्या है आप जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम किसी के बारे में बात करेंगे, अगर आप भी इसकी हकीकत जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अमेरिकन जहाज भी काबा के ऊपर से उड़ान भरने में नाकाम रहे। दोस्तों, कुरान में लिखा है कि दोस्तों खाने काबा हजरत इब्राहिम से लेकर आज तक आपने जिस रोशनी के बारे में सुना है, वह रोशनी खाने काबा से निकलती हुई सीधे सातवें आसमान को चीरती हुई ऊपर तक जाती है, जहां बैतुल मामूद है। कहते हैं कुरान करीम में यह लिखा है कि बैतुल मामूद फरिश्तों को खाने काबा है और हर रोज 70,000 फरिश्ते उस काबे का तवाफ करते हैं। दोस्तों, काबा दुनिया के बीचों बीच में है, जमीन पर बनाया गया है। खाने काबा हूबहू उसी खाने काबा की तस्वीर है जिन्होंने बनाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार खाने काबा बिना किसी शक और सुबह के पूरी धरती का सेंटर है, यानी कि यह भी 24 जमीन पर है और बीचों बीच में होने की वजह से जमीन के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का सेंटर भी यही है और यही तो खासियत है जो खाने काबा को बाकी जगहों से अलग बनाती है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सेंटर होने के कारण यहाँ चुंबकीय आकर्षण पाया जाता है, यही वजह है कि इसके ऊपर से कोई भी चीज उड़कर नहीं जा सकती है। अगर आप अपने हाथ में एक चुंबक का टुकड़ा ले और इस पर कोई चीज आकर्षित करे तो यह किसी भी चीज को बीचों बीच में आकर्षित नहीं करता है, या तो वह दाई ओर चिपकाता है या बाई ओर। दोस्तों, यही होता है खाने काबा के साथ। चुंबकीय आकर्षण होने के कारण कोई भी चीज दाई या बाई ओर ही रह जाती है जो बीच में नहीं आ सकती। यही वजह है कि आज तक कोई भी परिंदा हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो या खाने काबा के ऊपर से उड़ने में नहीं देता। लेकिन सबसे खास वजह यह है दोस्तों कि सऊदी अरब की हुकूमत ने काबा को 9 फ्लाई जोन में रखा है और अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से उड़ता है या फिर उसे मारकर गिरा देता देने का आदेश है। सऊदी हुकूमत ने अपने आदेश में कहा है कि विमान चाहे गलती से उड़ा हुआ हो या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर का चाहे क्यों ना हो, इसी वजह से मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह काबा में कोई विमान ऊपर से नहीं उड़ सकता। तो हम बता रहे हैं दूसरे को भी, आप उससे बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए।